अभी टाइम हो रहा है 1:40:41 हो गए एंड आज है 19th of October एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज। तुम लोगों के क्या हाल चाल है? और ये देखो, आज मैंने पहले से सब कुछ लिख रखा है कि आज मेरे को क्या क्या करना है। और वैसे आज मैं काफ़ी लेट व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, मतलब दोपहर में, क्योंकि सुबह से मेरे को थोड़ा काम वगैरह था तो मैं वो निपटा रहा था। तो कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से, अब चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। और ये देखो, तुम्हें कुछ याद आया क्या जिसको तुम लोग टॉयलेट पेपर बुलाते थे? भाई मतलब कहाँ से ये तुम लोगों को टॉयलेट पेपर लग रहा है भाई? मतलब थोड़ा सा ध्यान दो, ये मतलब इतना हार्ड सा है, ये जिस काम के लिए तुम इसको बता रहे हो ना, समझ रहे हो? अगर इसे किया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अब मैं इसको दोबारा छापूंगा क्योंकि व्लॉग भी तो बढ़िया दिखना चाहिए ना भाई। और ये देखो भाई, टाइम कम है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना सारा काम मैंने लिख दिया। पहला है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 3, फिर है केमिकल बॉन्डिंग PYQ सॉल्व करना है मेरे को क्योंकि PYQ इसका रह रहा था, फिर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 1, एंड उसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का सारा DPP जितना भी है ना सारा करूँगा, उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 4। और वैसे आज हमें लेक्चर कितना करना है, तो 1, 2 और हमें बस एक करना है फिजिक्स का, तो यानी कि 3 लेक्चर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 3 है, मतलब 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और वैसे आज का जो व्लॉग शूट करने का रीज़न है ना, ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि देखो तुम लोग हमेशा मेरे कमेंट्स में ये लिखते हो कि भाई लेक्चर इतना ज़्यादा मत देखा कर, क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व कर लिया कर। तो देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बट अब वीकली व्लॉग्स आते हैं तो तुम लोगों को पता नहीं चल पाता, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कर रहा हूँ तो बना लेता हूँ व्लॉग। अभी मैं कर रहा हूँ आज का अपना पहला सेशन जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस। और वैसे देखो इसका DPP भी मैंने सारा सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं अभी मॉड्यूल कर रहा हूँ। वैसे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में, तुम लोग एकदम सही बोलते हो कि मतलब सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट बुक पास प्रो इसमें तुम लोगों की हेल्प करने वाला है, जिसके अंदर 139 मॉक टेस्ट है नीट का विद सिमिलर इंटरफेस ऑफ नीट एग्जाम एंड 90+ चैप्टर टेस्ट, 44+ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड 20+ फुल टेस्ट के साथ तुम्हें हर टेस्ट का डिटेल्ड सोल्यूशन मिलने वाला है एनालिसिस के साथ। और साथ ही तुम एक टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड ये टेस्ट सीरीज तुम लोगों को मिलने वाला है 1 रुपीज़ पर डे से भी कम के प्राइस में। एंड यहाँ पर है तुम लोगों के लिए अब सबसे बड़ा सरप्राइज, अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड SAMGIFT SAMGIFT यूज करते हो ना, तो तुम्हें ये टेस्ट सीरीज 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। एंड अगर तुम लोग नीट के लिए सीरियस हो ना, तो ये वाला टेस्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब देखो आजकल मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि हम क्लास कर लेते हैं और क्लास करने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पूरी कर लेते हैं, बट फिर भी मतलब ना टेस्ट में नंबर नहीं आते। अब इसका सीधा सा आंसर ये है क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर तो हमारा क्लास में हो ही जाता है, बट उसको अप्लाई करने के लिए ना हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए इनका टेस्ट का इंटरफेस जो है ना वो एकदम रियल एग्जाम जैसा बनाया गया है, ताकि तुम लोगों का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाए। और वैसे एक चीज का ध्यान रख लेना कि ये टेस्ट ऑनलाइन है, तो इस टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर तुम लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और वैसे कूपन कोड भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से तुम लोग 1 मंथ फ्री एक्सेस क्लेम कर सकते हो। MCQs के अलावा भी ना इसमें और कुछ है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है जो कि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये फिलिप्स है। तो यहाँ पे ना मतलब ऑप्शन वगैरह नहीं है, जैसे कि अभी देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 एग्जॉन 2 और मोर डेंड्राइट फाउंड इन, तो इसमें होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ तो ये मतलब इसमें देखो ऑप्शन नहीं है ना, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टफ है अगर मैं MCQ से इसको कंपेयर करूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा सिमिलर बोल सकते हैं इसको फ्लैश कार्ड जैसा, क्योंकि वहाँ पर भी हमें ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया कंप्लीट, और अब नेक्स्ट करने जा रहा हूँ मैं लेक्चर,
केमिकल कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 करना है अभी मेरे को, तो अभी जल्दी से ये लेक्चर मैं कर लेता हूँ। और बाकी आज मेरे को ना कुछ बात करनी है, क्योंकि देखो प्रीवियस व्लॉग में ना कुछ ऐसा हुआ था सीन कि मैं पढ़ रहा था हाइड्रोजन चैप्टर, ठीक है, और साथ में मैं आई और ईयर भी पढ़ रहा था। तो देखो हाइड्रोजन तो चलो मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि हाइड्रोजन नहीं पढ़ना चाहिए था, वो पूरा ही मतलब डिलीटेड है। लेकिन अगर तुम लोग जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह कभी कभी देखोगे ना टीचर्स के, जैसे कि मैंने समाप्ति मैम का देखा था, तो मैं मतलब ऐसा बता रही थी कि अगर किसी चैप्टर में से कोई अगर मान लो छोटा सा टॉपिक अगर डिलेटेड है, तो उसको करने में मतलब कोई बुराई नहीं है, उसको तुम लोग मत छोड़ो, मैम ने मतलब ऐसा बोला था। अगर मेरे को वो शॉर्ट्स मिलता है ना, तो मैं तुम लोगों को ज़रूर उसका लिंक दूंगा, तो तुम लोग भी जाकर उसको ज़रूर देखना। बट हाँ, हाइड्रोजन मैं मानता हूँ चलो मेरी गलती है, क्योंकि भाई देखो मैं भी इंसान ही हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मैं हर चीज़ सही करूँगा, तो कभी कभी हो जाता है यार ऊपर नीचे। वैसे मैं उस दिन बैकलॉग ख़त्म करने पर लगा हुआ था, तो फ्लो फ्लो में भाई हाइड्रोजन भी निकाल ही दिया मैंने। वैसे एक और मैं तुम्हें फ़नी चीज़ बताता हूँ, मैंने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया पूरा, हाइड्रोजन का जितना क्वेश्चन था ना सारा मैंने कर लिया। और इसका मजाक तुम लोग कमेंट्स में उड़ा सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। चलो और ऐसे ही हमारा दूसरा सेशन भी कंप्लीट होता है, और अभी देखो 6 बज गए हैं और ये लेक्चर भी हमारा हो चुका है ख़त्म, तो अभी इसमें कर लेते हैं मार्क। और वैसे अभी मैं सोच रहा हूँ एक लूँगा ब्रेक, क्योंकि अभी मेरे को जाना है थोड़ा सा खाना खाने के लिए, फिर वहाँ से आऊँगा। और वैसे मैं सोच रहा हूँ देखो पहले मैं आज पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, अभी देखो 2 लेक्चर हमारे रह रहे हैं ना, मैं उसको करूँगा बाद में, पहले आज भाई क्वेश्चन होगा उसके बाद कुछ और होगा। ओके, तो ब्रेक ख़त्म होने के बाद अभी मैं बैठ जाता हूँ PYQ करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का। और वैसे अगर सच बताऊँ ना, तो भाई ये चैप्टर मेरे को 11th में जितना परेशान नहीं किया ना, उतना मेरे को इसने अभी किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे को भाई याद ही नहीं हो रही थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो पेस है ना, वो तो भाई मतलब बहुत स्लो है। तो अगर कोई टिप वगैरह हो तो कमेंट में छोड़ देना, ताकि तुम्हारे भाई का भी कुछ भला हो जाए। तो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। और जैसे ही हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होता है ना केमिकल बॉन्डिंग का, वैसे ही मैं करने लग जाता हूँ अपना 4th सेशन, जिसमें मैं कर रहा हूँ सारा DPP रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, जो कि मैंने एक भी नहीं कर रखा था पहले से। वैसे आई कांट फिगर आउट कि मतलब मेरी बायो अच्छी है या फिर ये क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि मतलब नंबर तो अच्छे आ जा रहे हैं आजकल। Many minutes later. और अभी अभी देखो मेरा फ्लूइड का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, और अभी मैं तुम लोगों को टाइम दिखाऊं तो अभी टाइम हो रहा है 2:04, और देखो 20 अक्टूबर। भाई व्लॉग शुरू करा था 19 अक्टूबर को, और आज है 20 अक्टूबर। इस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए भाई। अब वैसे मैं थंबनेल में देखो 2 लिखवाने वाला था, बट अब मैं उसको चेंज करवा के मैं 3 लिखवाऊँगा, up to 3 AM, क्योंकि 2 से तो अब आगे निकल ही गया ना, 19-20 का ही तो फ़र्क है, अब थोड़ी देर में तो 3 बज ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और आज देखो इतना लेट तक मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लीप साइकिल गई तेल लेने, ठीक है। तो आई डोंट नो अब मैं कल कितने बजे उठूँगा और कल क्या पढ़ूँगा। वैसे आज मैंने जितना चीज़ लिख रखा था ना, मेरे को भरोसा नहीं था कि आज मैं देखो इतना पूरा कर लूँगा, और ये पता नहीं कैसे हो गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं एक ना एक चीज़ मैं इसमें से ना छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो यार, आई होप तुम लोगों को इस वाले व्लॉग में मज़ा आया होगा, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अभी देखो 3 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता है। नीचे देखो कोई भी नहीं है, एकदम खाली रोड पे कोई भी नहीं है, और इतने रात को मैं यहाँ पे बालकनी में हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि कैमरा मैन नेवर डाइज।